हर साल यहाँ पे कार्यक्रम होता है शंकर नगर मीडिया ग्राउंड में, बड़ा कार्यक्रम करवाया जाता है। इस बार की क्या तैयारियां हैं? अभी साल तो कोरोना काल भी नहीं है और बरसात भी आखिरी दौर में है, क्या तैयारी चल रही है, क्या कुछ होगा? तैयारी ये है कि हमने 24 तारीख से लेके 4 तारीख तक बीटीआई ग्राउंड का परमिशन ले लिया है और 24 तारीख से हम लोगों का कार्यक्रम चालू होगा। डांडिया है, दुर्गा स्थापना है, रावण वध है, 3 कार्यक्रम हमारे होते हैं। पिछले साल बहुत भव्य तरीके से कोरोना होने के बाद भी हम लोगों ने डांडिया कराया था। कम से कम उसमें 6,000 से 7,000 लोग रोज़ डांडिया कर रहे थे 8 दिन तक, और किसी अव्यवस्था के अनुरूप कोई भी मतलब अव्यवस्था वहाँ नहीं हुई, और हम लोगों ने अच्छे से व्यवस्था किया था। पिछले साल रावण भी जलाया था, डांडिया भी किया था, दुर्गा जी की स्थापना भी किया था। इस साल उससे भी और भव्य तरीके से हम लोग करा रहे हैं, और उसके लिए मतलब हमने पहले से 14 दिन के लिए ग्राउंड अपना ले लिया है ताकि कोई अव्यवस्था मत हो, कोई मतलब समिति दूसरे आके कुछ हस्तक्षेप मत करे। इसके लिए हमने मतलब तैयारी करके रखा है और हमारा कार्यक्रम 24 से चालू हो जाएगा, और पंडाल जो भी है मतलब स्टेज, दुर्गा जी की स्थापना, ये सब कार्यक्रम हम मतलब तरीके से करते रहेंगे। और इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर ली है, दुर्गा जी का भी हमने आर्डर दे दिया है, रावण का भी हो गया है, और रामलीला का भी हमने कार्यक्रम 1 घंटे का वहाँ रखा है जिससे लोग वहाँ आनंद लें और दुर्गा उत्सव भी हो अच्छे से, और रावण वध में भी आतिशबाजी का भी कार्यक्रम रखा है ताकि लोगों को आनंद आए। और पूरा बीटीआई ग्राउंड हमने पूरा बीटीआई ग्राउंड ले लिया है ताकि हम अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करा सकें, क्योंकि पब्लिक बहुत आती है तो बहुत जगह भी होना, इसलिए हमने पूरा ग्राउंड लिया है और अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हम कराएंगे। रामलीला हर रोज होगी कि ये दशहरे के नहीं, दिन एक दिन आगे पीछे? रामलीला सिर्फ दशहरे के दिन, रावण वध के दिन एक ही दिन होगी, है ना, 1 घंटे का होगा। पिछले समय भी हम लोगों ने कराया था रामलीला और रावण वध हुआ था, है ना। कितनी कैपेसिटी से लोग आ पाएंगे इस साल, क्या अनुमान लगा रहे हैं? पिछले साल 7-8 हज़ार आए थे, इस बार क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? 7-8 हज़ार तो आएंगे ही, हम लोग अनुमान लगाए कि 10 हज़ार तक लोग आ जाएंगे ग्राउंड में और आनंद लेंगे हर चीज़ का। और हमने डांडिया में भी कोई पास या कोई मतलब वो रखा ही नहीं है कुछ, हर मतलब लोग आके, हर परिवार आके डांडिया कर सकता है वहाँ, वो भी निःशुल्क है, पार्किंग भी निःशुल्क है। हम लोग मतलब चाहते हैं कि जन मतलब लोग आनंद उठाएं और उसमें उनको कोई चार्ज भी मत देना पड़े, न डांडिया में पास है ना कुछ है, और पूरा परिवार आनंद लिया था पिछले साल का हम लोग ने देखा है। इस बार पास वगैरह का सिस्टम नहीं है, जो भी आना चाहेगा जोड़े में आएगा और कर सकता है, जोड़े में आए और ड्रेस में आए, और वो हर कोई आदमी कर सकता है। हर साल आप लोग इनाम बहुत बढ़िया रखते हैं, खासतौर बीटीआई ग्राउंड बड़ा नाम है कि यहाँ पर जो लोग डांडिया करते हैं उनको इनाम बहुत बढ़िया दिया, कैश प्राइज दिया जाता है, मोमेंटो दिया जाता है। हाँ, इस बार कुछ और विशेष करने की पहल है? वो मोमेंटो के साथ साथ हम लोग ने चांदी का सिक्का, कैश प्राइज, ये सब रखे हैं प्रोत्साहन के लिए, जिससे लोग आए और अच्छे से अच्छा अपना दुर्गा का वो मतलब अपना डांडिया का दिखाएं लोगों को। लोग पसंद करेंगे, 5 जज रहेंगे, वो करेंगे कि किनको प्राइज दिया जाए।